अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हमारा अगला टॉपिक है रबर फैब्रिकेशन। जैसे कि हमने पढ़ लिया था रबर की कंपाउंडिंग, अब हम देखेंगे कि रबर में डिफरेंट एडिटिव्स ऐड करने के बाद हम उस पर कौन से प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे कि हमारे पास हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाए हमें। तो इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे रबर फैब्रिकेशन। रबर फैब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार के अपने प्रोडक्ट लेते हैं और अपनी जो रॉ मटेरियल है उसकी यूज़फुलनेस को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाए, कौन कौन सी टेक्निक्स शामिल हैं, क्या क्या किया जाएगा, वो है कैलेंडरिंग, एक्सट्रूडिंग, मोल्डिंग। कैलेंडरिंग में हम लोग इसको डिफरेंट रोलर से गुजार कर शीट्स बना लेंगे। एक्सट्रूडिंग में हमारे पास लेंथ ही प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि पाइप्स हैं और वायर्स हैं जिसका एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मोल्डिंग में हम लोग इसको कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ायर और अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ मोल्ड। मोल्डिंग में भी आगे टाइप्स हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग एंड देन ब्लो मोल्डिंग। सबसे पहले हम कैलेंडरिंग को देखेंगे। कैलेंडरिंग क्या है, इज़ यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक शीट एंड प्रोडक्ट्स सच एज द फ्लोर टायर्स, कोटेड फैब्रिक्स एंड कवरिंग फॉर आर कार इंटीरियर। कार में यूज़ होने वाले मैट्स, डिफरेंट घर में यूज़ होने वाले मैट्स और भी शीट्स बनाने के लिए कैलेंडरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, हम अपने रॉ मटेरियल को स्क्वीज़ कर देंगे, कैसे, डिफरेंट रोटेटिंग रोलर्स में से गुजार के जो कि हीटेड होंगे और हमारे पास एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एक थिन कंटिन्यूस फिल्म प्रोड्यूस होगी जिसको हम एयर या वाटर से कूल कर लेंगे और इसको देन रोलर्स पे रोल कर दिया जाता है और अपनी डिज़ायर लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको की कटिंग वगैरह कर लेते हैं। ये हो गया था कैलेंडरिंग। देन कम्स द डायग्राम ऑफ कैलेंडरिंग। जैसे देखें आप, दो रोलर्स में से गुजर के, डिफरेंट रोलर्स में से गुजर के हमारे पास एंड पे एक आउटपुट शीट स्ट्रोक आ रहा है। देन एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन। लंबी हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, जैसे कि पाइप, शीट्स और फिल्म, वायर, इंसुलेशन, कोटिंग, और फिर उसका उसको कैसे प्रिंट किया जाता है, एक डाई में से गुजार के। एक सिलेंडर में से गुजरने के बाद हमारा हीटेड रॉ मटेरियल एक डाई में से गुजरता है जिसकी एक साइड ओपन होती है और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट का क्रॉस सेक्शन होगा। रॉ मटेरियल हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। को एक्सट्रूडर में से एक्सट्रूडर में डाला जाता है थ्रू हुपर। डाई मटेरियल इज कन्वेड फॉरवर्ड बाय फीडिंग स्क्रू होता है और जिसमें डाई में से इसको फोर्स किया जाता है कि वो बाहर निकले और एक डिज़ायर शेप को अख्तियार कर ले। देन आ जाएगा हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो इसको हीट प्रोवाइड करेंगे और हमारे पास थोड़ा जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको मेल्ट कर देंगे ताकि प्रोडक्ट अच्छी बन सके। द प्रोडक्ट गोइंग आउट ऑफ द डाई इज कूल्ड बाय ब्लोन एयर और इन वाटर बाथ। द एक्सट्रूजन ऑफ पॉलीमर इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लॉन्ग लास्टिंग रॉ पैलेट्स आर सप्लाइड और एक्सट्रूजन इज यूजली यूज फॉर द थर्मोप्लास्टिक बट इलास्टोमर एंड द थर्मोसेट्स। इसको ना सिर्फ इलास्टोमर्स के लिए, रबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसको डिफरेंट प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इसी प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। हेयर इज द डायग्राम ऑफ एक्सट्रूजन ऑफ पॉलीमर। जैसे कि हॉपर नज़र आ रहा है, हॉपर में डालेंगे हम पैलेट्स। पैलेट्स यहाँ से जाएंगी इन बैरल। बैरल में हीटिंग एलिमेंट्स होंगे और हमारा रॉ मटेरियल है वो हीट हो जाएगा और बाहर स्क्रू होगा जिसकी मदद से हमारा रॉ मटेरियल आगे की तरफ कन्वे होगा और आगे नोजल में से हीटेड थर्मोकपल लगे होंगे जो इसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और उससे गुजरने के बाद ये हमारा डाई में से निकलता हुआ एक लॉन्ग पॉलीमर की पाइप ऑब्टेन होगी। देन कम्स द मोल्डिंग। मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी शेप दे सकते हैं अपने रॉ मटेरियल को। शेपिंग द पॉलीमर मटेरियल बाय यूजिंग अ रिजिड मैट्रिक्स और मोल्ड इज कॉल्ड मोल्डिंग। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग एंड देन द ब्लो मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या होगा, कंप्रेशन मोल्डिंग में हम अपना रॉ मटेरियल जो कि प्री हीटेड होगा उसको रखेंगे एक मोल्ड कैविटी में और ऊपर से हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जिसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो एक मोल्ड के ज़रिए आ जाएगी। और कंप्रेशन मोल्डिंग के डिफरेंट स्टेप हैं। सबसे पहले प्री वेट पॉलीमर हम लोग रखते हैं एक लोअर हाफ ऑफ द मोल्ड में जो कि फिक्स होगा। हमारा जो रॉ मटेरियल है पैलेट भी हो सकता है, पाउडर भी हो सकता है, कोई ब्लैंक मटेरियल भी हो सकता है। देन उसके ऊपर हम लोग दूसरा मोल्ड जो कि मूवेबल होगा वो आके उसको प्रेस करेगा डाउनवर्ड और इस प्रेशर की वजह से ये जो हमारा रॉ मटेरियल है ये मोल्ड कैविटी को फिल कर देगा। फिल करने के बाद इसको जब
थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा जाएगा। जब ये डिज़ायर शेप ले लेगी तो उसको कूल डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर और एयर, एंड देन द मोल्ड इज़ ओपन बाय द एंड द प्रोडक्ट इज रिमूव बाय द इजेक्टर पिन। इजेक्टर पिन से इसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि ये डायग्राम है, सबसे पहले हमने लोअर मोल्ड जो कि फिक्स था उसके अंदर अपना चार्ज रखा, उसके ऊपर अपर मूवेबल हाफ मोल्ड को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, हमारे पास डिज़ायर शेप में और हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी और इसको इजेक्टर पिन से हम रिमूव कर देंगे। देन कम्स द इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होगा, एक मोल्टन पॉलीमर हम लोग उसको फोर्स करेंगे अंडर द प्रेशर इनटू अ मोल्ड कैविटी थ्रू एन ओपनिंग, कि सिमिलर है एक्सट्रूजन प्रोसेस के, वैसे ही परफॉर्म किया जा सकता है। बस थोड़ा सा इसकी मशीनरी में डिफरेंस होता है, और वो कहाँ पे होता है, इन केस ऑफ स्क्रू, उसमें कंटिन्यूस हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है एक्सट्रूजन के केस में, जबकि इंजेक्शन मोल्डिंग में कंटिन्यूस प्रोडक्ट नहीं बनती। हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर रॉ मटेरियल को उतने ही एक चार्ज एक बैच फॉर्म में सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, जो कि ना सिर्फ घूम रहा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मूव कर रहा होगा, आगे पीछे भी मूव कर रहा होगा, जिससे हमारी एक बैच के फॉर्म में हमारा रॉ मटेरियल फोर्स किया जाएगा आगे मोल्ड में, और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हीटेड होगा, मेल्ट हुआ होगा, सॉफ्ट होगा। मोल्ड में जाने के बाद वो डिज़ायर शेप ले लेगा, उसको देन हम कूल डाउन करेंगे और फिर इजेक्टर पिन से हम लोग उसको प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इज सिमिलर टू द एक्सट्रूडर। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू मशीन इज इन स्क्रू ऑपरेशन। इन एक्सट्रूडर स्क्रू रोटेटर रोटेट्स द कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड आउटपुट ऑफ द कॉन्टीन्यूस लॉन्ग प्रोडक्ट, जबकि क्या है हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग में इसको रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू कहा जाता है, जो कि आगे पीछे मूव करेगा और एक मोल्डिंग साइकिल चल रहा होगा। बाकी सारा सेम प्रोसेस वैसे ही है। हेयर डायग्राम ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। स्क्रू मोशन है ना सिर्फ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी है। देन नोजल आ जाएगा, नोजल में हीट प्रोवाइड किया जाएगा, थर्मोकपल्स भी हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे इसमें, और मोल्टेड हमारा रॉ मटेरियल है उसको मोल्ड में जाके उसको कूल डाउन कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, ये मूव करेगा, एंड देन इंजेक्टर पिन से हम इस प्रोडक्ट को रिमूव कर लेंगे। इस केस में मोल्ड स्प्लिट मोल्ड इस्तेमाल होता है। स्प्लिट मोल्ड की क्या है करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि इसका एक हिस्सा फिक्स होगा हमारे नोजल के साथ और दूसरा हिस्सा मूवेबल होगा। देन कम्स द ट्रांसफर मोल्डिंग। ट्रांसफर मोल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ प्री वेट अमाउंट ऑफ अ पॉलीमर इज प्री हीटेड इन अ सेपरेट चैम्बर। अपने रॉ मटेरियल को हम लोग पहले प्री हीट कर देंगे सेपरेट चैम्बर में, फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी और विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ये मोल्ड कैविटी में जाएगी और वहाँ पे ये प्रेशर और हीट की वजह से शेप ले लेगी उस मोल्ड की। हेयर इज द डायग्राम ट्रांसफर मोल्डिंग। सबसे पहले हमने चार्ज रखा, ऊपर आया प्लंजर से हमने उसे अप्लाई किया प्रेशर, और ये प्री हीटेड था हमारा चार्ज, तो स्प्रू की मदद से ये मोल्ड कैविटी में गया, और देन जब व्हेन इट टेक्स द शेप ऑफ द मोल्ड देन वी रिमूव द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इजेक्टर पिन। हेयर कम्स अ ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस। ये वही प्रोसेस है जो कि हमारे पास शीशे की या प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करें कहते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, जिसको हम पेरिसिन भी कहते हैं, इसको रख दिया जाता है दो मोल्ड्स के दरमियान और वो बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद इसके अंदर हम लोग प्रेशराइज एयर को इंसर्ट करेंगे, जिसकी मदद से वो ब्लो होगा और मोल्ड की जो कैविटी होगी उसकी शेप ले लेगा, और उसको देन कूल डाउन करके हम लोग अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट ले लेंगे। हेयर द प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग ने रखा पेरिसिन बिटवीन द टू मोल्ड्स। पेरिसिन रखने के बाद मोल्ड को हमने बंद कर दिया, फिर एयर ब्लो की विद द हेल्प ऑफ अ पिन, देन इन स्टेप डी वी गेट द डिज़ायर प्रोडक्ट। दैट्स ऑल अबाउट द फेब्रिकेशन ऑफ द रबर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट सिंथेटिक मटीरियल, देयर एप्लीकेशन, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।